Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. How are you, students? Hope you all are fine. It's me, Ma'am Qamar Nisa. Ji, General Science, Class 5. Unit number 1 finish kar chuke hain with written work. Dusra hamara unit number 2, microorganisms. Microorganisms. Ye word zara dekh le. Micro. Micro mein bahut hi jo chote chote cheeze hoti hain. बाकी बता रही हूँ साथ साथ, लेकिन जरा इस यूनिट के नेम को जरा देख ले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में तो हमारे पास लिविंग थिंग्स आ गए। अब माइक्रो जो कि ऐसी चीजें जो कि हमें अपनी नेक आई से नजर ना आए, थ्रू माइक्रोस्कोप हम उसको देख सकें, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक आई, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो था यूनिट का नेम। चैप्टर नेम से आगे थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो अब आगे डिटेल से मैं इंशाल्लाह आपको बता रही हूँ। नेशनल करिकुलम की बुक से आप यहीं पे पिक्चर्स ले रही हूँ मैं, और साथ साथ उसके एडिशन कुछ मैंने एडिशन की हुई है नेट से, कुछ और कलर्ड पिक्चर साथ में ली हुई है। दैट इज बिकॉज क्योंकि नेशनल करिकुलम की हमारे पास बुक्स अभी नहीं है, तो बस जो हार्ड फॉर्म में हमने कॉपी ली हुई है उसी से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे होमवर्क भी बीच में मैंने दिया है, तो उसके आप स्क्रीनशॉट साथ ही साथ फिर लोगे मैं बता दूंगी आपको। जी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल्स इन द बीम ऑफ लाइट दैट इंटर अ डार्क रूम। हैव यू एवर थॉट दैट आवर आईज कैन नॉट सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। कि देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। To see such things, we need a special instrument called microscope. The objects that cannot be seen by human eye are visible as large and clear objects under the microscope. कि अगर एक डार्क रूम में देखा जाए, पैराग्राफ में बताया कि एक डार्क रूम में देखा जाए, वहां पे एक होल हो, तो वहां पे आपको एक बीम ऑफ लाइट दिखेगी। बीम ऑफ लाइट मतलब कि आप वहां पे लाइट आती हुई दिखेगी। अब उस लाइट के आते साथ ही आप देख रहे, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। वो तो वो डस्ट पार्टिकल्स आप कुछ अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, आप उसको अलग अलग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। यदि इसी तरह हमारे इर्द गिर्द भी इस तरह के अगर ये लाइट हटा दे, तो वैसे ये डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे होते नो, जबकि वो रूम में होते हैं। सिर्फ वो लाइट जब उस पर पड़ रही होती, बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल होल, तब आपको वो डस्ट पार्टिकल्स दिख जाते हैं। एज इट इज हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे एनवायरमेंट में, जो कि हमें अपनी नेक आई से, नेक आई मतलब हमें हमारी अपनी आंख से हमें वो नजर नहीं आ सकते। तो उसको हम किसके थ्रू देखेंगे, कहते हैं उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। और फिर ऐसी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आ रही है, हम अपनी आंख से देख रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो मीन जो बड़े, जो मोर देन वन सेल होंगे, और वो हमें नजर आएंगे। तो ये चीजें हमारे पास क्या होंगी, वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होंगी। लेकिन अगर उससे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम खुद ना देख सके अपनी आंख से, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड वी कैन सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू माइक्रोस्कोप। अच्छा जी, फिर हमारे पास है यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी, जी जी, यहाँ पे ये कलर पेज थोड़ा सा लिया है ताकि आपको सही समझ आ सके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, although you can easily count large living things that you see, there are million of living things around you that are very tiny. We call these tiny organisms microorganism because we need a powerful microscope to see them. मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी ये नजर नहीं आ पाते, इसलिए हम माइक्रोस्कोप, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। और ये बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली हम आपको बता चुके होते हैं कि ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ओके, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन अ वन सेल, तो उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो कि मोर देन वन सेल, मोर देन सिंगल सेल बने होंगे, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है।
Microorganisms are found all over the world, in the air, water, soil, or on our body. हर एक जगह पे ये आपको सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट आपको ये नजर आएंगे, चाहे वो आपके एनवायरमेंट में कोई भी जगह हो. इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म्स व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब देखिए, जब भी बात की जाती है किसी जर्म्स के बारे में, बीमारियों के बारे में बात की जाती है, तो तब यही कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब के अब ये नहीं के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग हैं. हर एक डिजीज के, हर एक बीमारियों के लिए अपने अपने जर्म्स होते हैं. वो जर्म्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि उसको स्प्रेड करवा रहे होते हैं. हमारे पास काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तो ये हमारे पास फोर मेन काइंड्स हैं, और वो फोर मेन काइंड्स जो है ये हमारे पास वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, बार बार बता रहे फंजाई भी आप लोग कह सकते हैं, एंड प्रोटोजोआ. ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ये हर एक जगह पे आपको अपने एनवायरमेंट में मिलेंगे. यहाँ पे इस पिंक वाले कॉलम में जरा देख लें आप सब, कि सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ. मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक. Human being, other animals and plants are made of billion of cells and are called multicellular. मतलब हमारी body, plant की body देख लें, animals की body देख लें, ये आप देख लीजिए कोई cell एक तो नहीं है जो कि हम बात करें. बहुत ज्यादा billion of the cells combine होके ये पूरी की पूरी body बना देते हैं, चाहे plant की हो, animals की हो, human की हो. ये आपको इजीली देख पाते हैं, इनके ऑर्गन्स आप इजीली देख सकते हैं. प्लांट के अगर देखने चाहे तो उनकी लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर्स है, दीज आर द ऑर्गन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बट अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की या एनिमल्स की बॉडी की बात करें, तो उसमें भी हमें ऑर्गन सिस्टम्स दिख रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेल्स से बने होते हैं. आपको पता है ना कि सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज कंबाइन फॉर्म द ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो वो इसीलिए आपको नजर आएंगे. लेकिन यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें नजर नहीं आएंगे, और उनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे. यहाँ देख ले एक बार फिर, आप इसके लिए एक स्क्रीनशॉट भी ले ले. अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच मे बी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कुछ हमारे पास ज्यादातर जो है वो सिंगल सेल होंगे, और कुछ उसमें मल्टी सेल होंगे. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. अब ऐसे लोग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्टडी कंप्लीट डिटेल से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, वायरसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. और जो स्टडी करने वाला होते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. Study of the microorganism is called microbiology. और जो study कर रहा होता है तो उनको microbiologist कहा जाता है. जी, फिर हमारे पास है main groups of microorganism. ये आपके national curriculum की से लिया है. There are many types of microorganism. They are divided into various groups on the basis of their size, structure, and need of food. इस तरह पहले प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि लिविंग थिंग्स की क्या की गई थी, क्लासिफिकेशन की गई, उनकी स्पीशीज को लग के, उनके बिहेवियर को देख के, उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को देख के उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा था. कहते हैं यहाँ पे जो ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उनको भी किस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, एंड नीड ऑफ फूड, मतलब किस तरह से वो फूड अपने लिए लेते हैं. वो किसी की लिविंग बॉडी पे अटैक करते हैं, या फिर वो खुद लिविंग है और अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो मेन है हमारे पास, दैट इज वायरसेस एंड बैक्टीरिया. ये वर्ड्स आपने हजार हाँ सुने हुए, ये वर्ड्स वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, जर्म्स इससे फैल रहे हैं, हाथ धो लेते संदर्भ, ये इसी वजह से, क्योंकि ये मौजूद होते हैं. सम फंजाई आर वेरी स्मॉल एंड दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फंजाई जो है, कहते हैं ये बहुत ही कुछ इसमें बहुत ही ज्यादा
स्मॉल होते हैं और इनको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही इंक्लूड किया हुआ है. द फर्स्ट वन दैट इज वायरस. अब वायरसेस आर वेरी टाइनी इंफेक्शियस पार्टिकल्स. बहुत ही ज्यादा छोटे और माइन्यूट पार्टिकल्स. ये इंफेक्शियस पार्टिकल्स मतलब कि ये हर एक जगह पे इंफेक्शन या कॉजिंग डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब देख ले, आपको मैं वही बता रही थी कि थ्रू फूड साइज एंड स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड कर रहे हैं. उसी वैसे उस बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, ग्रुपिंग की हुई है. तो देख ले, वायरस जो है ये एक लिंक बनाते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के. दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज्म. मोस्टली यही बात की जाती है कि वायरसेस जो है ये खुद लिविंग थिंग नहीं है, ये खुद नॉन लिविंग थिंग है. तो इस वजह से जब ये लिविंग थिंग्स की बॉडी पे अटैक कर लेते हैं, मतलब उनकी बॉडी में लग जाते हैं, तो उनकी बॉडी, अब देखिए द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये अपने आप को उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं. रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, ये अपने आप की मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं और अपने आप को तादाद में बढ़ा देते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन ऑर्गेनिज्म. इनकी रिप्रोडक्शन आउटसाइड द लिविंग बॉडी नहीं होगी. अच्छा, ये बात याद रखिए क्लास फिफ्थ की, इनकी रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी के बाहर नहीं हो पाती. ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी पे अटैक करेंगे, वहां रहेंगे, तो तभी अपनी रिप्रोडक्शन कर पाएंगे. आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन. वही बात यहाँ पे आगे आ चुकी है कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के बाहर, लिविंग थिंग्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर ये हट जाए तो तब ये नॉन लिविंग है. दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे अटैक करते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. दे कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग, और ये ह्यूमन बींग में डिजीजेस कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं एंड प्लांट्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा जो मेन डिजीजेस आपको हर वक्त सुनने को मिलती है, तो देख ली हेपेटाइटिस है, पोलियो है, फ्लू एटसेट्रा इन ह्यूमंस. तो ये ह्यूमंस में ऐसी डिजीजेस आपको देखने को मिलती है. यहाँ देख ले के एक पिक्चर ली भी है आपको थोड़ा सा. नो, बच्चे आप कोशिश करें, फिफ्थ के स्टूडेंट है ना, एक बच्ची ने पूछा है कि बुकलेट में मैंने काम पेंसिल से किया हुआ है तो मार्क्स की रिडक्शन. तो आप फिफ्थ की बच्ची है, आप पेन स्टार्ट करिए, पेन से काम करोगी तो आपकी राइटिंग एज कम्पेयर टू द पेंसिल, तो आप जरा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. आप पेन यूज करो. ओके, यस, कोरोना वायरस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, वो वायरसेस में ही आ जाता है. ये देख ले यहाँ पे इस पिक्चर में बताई हुई है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वायरस ही है. अब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट, वही बात यहाँ दोबारा हो रही है कि हेपेटाइटिस की उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये हेपेटाइटिस के वायरसेस आपको दिखा रहे हैं. और फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लाइफ फॉर्म, ये पाए जाते हैं. कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं, कि ये अपनी बॉडी की रिप्रोडक्शन अगर ये करना चाहे, अपनी रिप्रोडक्शन करना चाहे, तो ये रिप्रोड्यूस द न्यू वन इन द लिविंग बॉडी. अच्छा, लिविंग बॉडी के अंदर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. ये बुक में नहीं था, थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया है. द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, उसको वायरोलॉजी कहते हैं. वायरसेस इनफेक्ट होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस. और वायरसेस क्या करते हैं, ये होस्ट बॉडी नहीं होती, मतलब यहाँ पे ये एज अ गेस्ट काम कर रही है. जब होस्ट की बॉडी पे जाता है तो वहां पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, सेल्स रिप्रोड्यूस, और उनकी बॉडी को इन्फेक्शियस बना देता है, मीन उनकी बॉडी में डिजीजेस काज करना शुरू कर देते हैं. वायरसेस कैन लर्न टू अडॉप्ट टू इम्यून रिस्पॉन्सेज. ज्यादा देख ले तो इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब जितनी हमारी एंटीबॉडीज होती है ना, जो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है, जो वाइट ब्लड सेल्स, तो ये ज्यादा से ज्यादा उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ में ले लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज को खत्म करना शुरू कर लेते हैं. वायरसेस आर मच मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट देन बैक्टीरिया. वायरसेस को एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है. अच्छा जी, ये पिक्चर मैंने अब दी है, दैट इज बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज की ये एक वायरस है हमारे पास. बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जिसकी वजह से ये अटैक कर लेता है बैक्टीरिया पे. बैक्टीरिया पे जब अटैक करेगा तो उनकी बॉडी में अपने आप को
क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर लेता है। अब यहाँ देख ले, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, बिकॉज ये आपका होमवर्क है, इसी को ड्रॉ करोगे नीटली, स्क्रीनशॉट ले सब जी। तो ये हेड डीएनए बीच में शो किया हुआ, कॉलर है, शीट है, टेल फाइबर है एंड बेसल प्लेट था। अब ये हमारे पास देख ले, ये हेपेटाइटिस बी के वायरसेस है। अब हेपेटाइटिस बी के वायरस को देख ले, एन इन्फेक्टिव एजेंट, इसके भी वही काम है, वायरस की बात हो रही तो ये भी इन्फेक्शन ही कास करेगा। That typically consists of a nucleic acid molecules in a protein pool. Is too small to be seen by the light microscopy. मतलब इसको भी हेपेटाइटिस के वायरसेस को भी हम लाइट माइक्रोस्कोप, या मतलब इसलिए कोई नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको हम नहीं देख सकते। And is able to multiply only within the living cell of a host. बार बार ये बात बता रही हूँ कि वायरसेस जो है ये अपने आप को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, वहां पे ये अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आउटसाइड द लिविंग बॉडी ये अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इस वजह से ये जब भी रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और बड़े रैपिडली ये मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अपनी। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है सेल डिविजन होती है, सेल डिविजन जब एक ही वायरस एक ही सेल से बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये अपने ही सेल के न्यूक्लियाई को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, और जब डिविजन करेंगे तो एक ही पेरेंट के टू डॉटर सेल्स बनेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये वायरसेस मल्टीप्लीकेशन इनसाइड द लिविंग बॉडीज मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करता है जी। माइक्रोबायोलॉजी जो है इसकी पिक्चर आप मस्ट स्क्रीनशॉट ले अपने लिए। अच्छा, ये वायरसेस का ही एक क्लास टर्म है, इसको देख लो, पोलियो, पोलियो या पोलियो मेलाइटिस जो है is a disabling and life-threatening disease caused by the polio virus. Polio को देख ले तो life-threatening ऐसे है कि ये अगर body में आ जाए तो इसकी वजह से disable हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो disable हो जाते हैं। The virus spread from person to person and can infect a person's spinal cord causing paralysis. मतलब कोई भी paralyze हो सकता है, paralyze ऐसे हो सकता है कि उसके पाँव काम करना छोड़ देते हैं, can't move part of the body, इसकी वजह से बॉडी का जो abdomen का हिस्सा है, पाँव जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। तो सोच ले कि ये पोलियो वायरसेस भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जी। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ ले, कोई क्वेरी हो पूछ ले। होमवर्क आपका बैक्टेरियोफेज का, जो आपको मैं बता चुकी हूँ, बैक्टेरियोफेज की स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं, अगर नहीं ली तो यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ, ये है जी, ये बैक्टेरियोफेज के स्क्रीनशॉट ले अपने लिए, और यही होमवर्क है आपका, ड्रॉ करने हैं नीट एंड क्लीन टू टाइम्स, ओके, और लेबलिंग शुड बी इन अ कैपिटल लेटर्स। लव फेस।